इतनी भयंकर आग। तो हमने आग बुझाई थी यहाँ तक, और ऐसे में तो जान जोखिम में भी पड़ जाती है। तो मेरे पीछे जितना भी दिख रहा है ये सारा जल गया है। नीचे आग लग गई है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग हो रहा है इतनी जल्दबाजी में शुरू, ना क्या पता क्या हो गया। हमारा खेत है वहाँ पे और हमने घास रखा है सूखा, और नीचे से पता नहीं किसी ने आग लगा दी है, और अब यहाँ से जाना पड़ेगा। पता कितनी ज्यादा आग लगी है। अभी मेरे को पड़ोस वाली आंटी ने बताया कि नीचे उस वाली धार में आग लगी है, तो मैं और मम्मी इतने फटाफट भाग के जा रहे हैं ना। तो यहाँ है आग लगी हुई, और यहाँ पे हमारा नीचे घास भी है। अगर ये आग इधर को आ गई तो हमारा सारा घास जल जाएगा, तो भागना पड़ेगा। नीचे लोग भी भाग रहे हैं। मैं ना थोड़ी देर पहले ही सो के उठी, मैं झाड़ू मार रही थी, और उतने में आधा झाड़ू छोड़ के आई हूँ। मम्मी और गांव से एक आंटी, ये भी भाग रहे हैं। कैसी और कितनी फटाफट भाग रहे हैं। आजकल सारे आग लगा रहे हैं, हर जगह देखो, जहाँ देखो वहाँ आग ही आग लग रही है। आज आई हमारी बारी भागने की, क्योंकि हमारे खेत के पास पहुँचने वाली है। और जिन जिन के खेत है ना, वो ही जा रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को टेंशन होती है ना कि भाई हमारे खेत में ना लगे, घास ना जले। तो आंटी काट रहे है हरी हरी टहनिया। इस तो ये हरी टहनिया होती है ना, आग बुझाने के अच्छे काम आ जाती है। तो ये पकड़ लेते हैं, चको इनको अब। फिर बेटा ठीक है, तेरे को ना चलो 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 चलो। तो सामने वाली पहाड़ी पे लगी आग, इधर को हमारे खेत भी है। चलते हैं पारी, चलते अब। याहू, अब हम जाएंगे पारी आग बुझाने। और कुछ लोग पहले ही आ गए बेचारे, जिनको पहले ही पता लग गया होगा। तो हम लोग पहुंच तो गए हैं, पर ये कंट्रोल में नहीं आ रही है। ये बेचारे कब से बुझा रहे होंगे। हो इतनी ज्यादा आग ना, ये सना सना बुझे ना। जाओ जाओ, मैं आप लोगों की वीडियो बनाऊंगी। नमस्ते अभी। इतनी भयंकर आग। इतनी ज्यादा आग यहाँ से लेके नीचे तक आग ही आग। अब इधर को तो ढांक में जा नहीं सकते, इधर को ढांक है, तो इसको तो अब जलने ही देंगे। और हमारे सनू भैया आए इंस्पेक्शन पे, देखने कि कितनी आग लगी है, कैसी आग लगी है। आपकी कहाँ है टोली? पाराबिल तक कीड़े होने हैं। तो आज की मॉर्निंग की शुरुआत होगी धुएं के साथ, इतना धुआं है पीछे। ऊपर को जाते जाते आग पहुंच गई काफी ऊपर। तो वहाँ पे ऊपर मम्मी और एक आंटी है, ये लोग ये वाली आग को कंट्रोल करेंगे कि बस रास्ते से इधर ना आए। इधर को लोगों के सारे खेत है, और अब नीचे को जाना पड़ेगा। नीचे को काफी ज्यादा आग लगी है शायद। तो मेरे पीछे जितना भी दिख रहा है सारा जल गया है। अभी नीचे से और आग आ रही है, तो अब नीचे की तरफ चलते हैं। और इधर को भी है, यहाँ पे पीछे बुझा रहे हैं। और भाई मामी के यहाँ पे खेत है, और मामी के खेत में आग लगने वाली है। मामी आए हैं, और मामी ही तो लेके आए हैं मशीन, इसमें पानी लेके आए हैं, फिर पानी से बुझाएंगे। तो अभी ना मशीन लेके आए हैं, अब इससे बुझाएंगे, पर ये वाली आग नहीं होगी यहाँ पे कंट्रोल। और प्रीति भी आ गई आग बुझाने। कौन सा ये वाली? इस साइड को हवा ज्यादा है, तो ये कंट्रोल में नहीं आएगी। गश्की के पहुंचे, अब मशीन से ही बुझा रहे हैं। प्रीति भी, प्रीति से रहा नहीं गया, आग को देखे ये भी बुझाने आ गई। तो अब ना हम लोग खुद ही इधर से, रास्ते से इधर से खुद ही आग लगा रहे हैं, ताकि आगे को आग के साथ मीट हो गए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो बस आज हमारा पूरा दिन आग बुझाने में निकल जाएगा। 12 तो बजे हैं, ये देखो इतनी ज़्यादा आग। जो रास्ते से इधर आग आ रही है ना, इसको हम पानी से बुझा रहे हैं। भैया यहाँ पे पानी से बुझा रहे हैं। ये हमारे फायर ब्रिगेड है। और हम लोग आग बुझाते बुझाते सतलुज कितने पास आ गया देखो। अब यहाँ पे शायद आग नीचे इस घर के पास कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि इनके पास भी नीचे मशीन है। बाकी तो सारा ही जल जाएगा, तो इसीलिए आजकल कितना कम पानी है।
तो आग बुझाते बुझाते हमें बच गया है एक, अभी भी नहीं बुझी है, अब तो हम खेत में ही पहुंच गए हैं, खेत से आगे आगे से थोड़ा। और मेरे तो यहाँ से बाल ही जल गए, ये वाले बाल जल गए। और प्रीति हमारे साथ एक्सपर्ट है आज आग लगाने वाली, क्योंकि हम बाउंड्री काट रहे हैं तो खुद से लगाना जरूरी है अभी, ताकि जो इधर से आग आ रही है फिर ये इसमें मीट हो जाएगी। ये मेरी मामी के खेत है जिनको हम बचा रहे हैं, है ना मामी? मामी को नहीं बचा रहे, पेड़ को बचा रहे। मामी बचे हैं, मामी मामी खतरनाक है, अकेले हिम्मत रखी थी इन्होंने। और इनका एक घर यहाँ पे भी है मामी का, तो यहाँ से ही पानी लेके आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऊपर खेत है, यहाँ से नीचे सारा ऐसे ही कबाड़ है, तो अगर इसमें नीचे को आग जाती है हमें सिर्फ खेत बचाना है, तो हम पहले से ही बाउंड्री काट रहे हैं। वैसे भी सामने साथ से आग आ रही है, इसको हम कवर कर रहे हैं सिर्फ यहाँ से, ताकि खेत में आग ना लगे। तो मामी का एक और घर है, वहाँ से हमने पानी जोड़ा है, फिर यहीं से आग बुझाने का काम भी आता रहेगा साथ में ऐसे। आज तो हमारा पूरा दिन आग बुझाने में निकल जाएगा, और हालत भी बहुत ख़राब हो गई है। तो अभी जाके हम निपटे आग बुझा के, और दिन के ना 2 बजने वाले हैं। अब जितने भी यहाँ पे पेड़ थे, खेत थे, वो सारे बच गए हैं, और साइड साइड से सारी आग बुझा दी है। तो क्या यहाँ पे बनी है हमारे लिए अब लेमन टी, आग बुझाने के बाद हम पियेंगे लेमन टी। हाय प्रीति, कैसी है चाय? टेस्टी है ना? अभी आग फिर से लग गई है ऊपर से नीचे को, तो हमें यहाँ से लगानी पड़ेगी ताकि ये पूरा कवर हो जाए। प्रीति कर रही है ये शुभ काम, फायर ब्रिगेड वाली खुश, प्रीति को खुश, बड़ी खुश हो रही प्रीति आग लगा के, क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी नीचे को आग आ रही है, धुआं दिख रहा होगा, तो नीचे से लगानी ही पड़ेगी। नीचे को जितने भी खेत है वो बच जाएंगे, यहाँ को नीचे को खेत है ना, अगर ऊपर को आग लगाएंगे तो नीचे वाले खेत ऑलरेडी बच जाएंगे, क्योंकि ऊपर से तो आग आ ही रही है नीचे को। अभी जस्ट हम चाय पी के ही आए थे, लेकिन अभी हम फिर से आग लगानी पड़ेगी, ऑलरेडी ना ऊपर से आग आ रही है, देखो धुआं दिख रहा होगा, तो हमें नीचे जब दोनों आग आपस में मिल जाए तो न्यूट्रलाइज हो जाएगी और खेत बच जाएंगे। हाँ, जितनी आग देखी ना इतनी मैंने जिंदगी भर नहीं देखी होगी। ये देखो एक मिनट में आग कहाँ पहुंच जाती है। तो हमने आग बुझाई थी यहाँ तक, और ऊपर को देखो कितनी ज्यादा आग लग गई है, उफ बहुत भयंकर। पावर रख डाटी का, ठीक रहे कौन बता आऊं भर रही है तो ये पार्टी पार रखी ना तेला उसे एक। अब जो आग दिख रही है आपको, ये सामने वाली पहाड़ी पे लगी थी, और इसका सेक हम जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ तक आ रहा था, और काफ़ी दूर थी हमसे, लेकिन इतनी भयंकर आग लग रही थी। यहाँ पे जंगल ज़्यादा नहीं था, लेकिन घास ही घास था, और सारा घास जल गया, और कितना सारा धुआं निकल रहा है, पर पता नहीं कैसे आग लग गई। और इस बार की आग बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, इसमें ऑलमोस्ट ना 2 पहाड़ियाँ जल गई। तो अभी होते शाम के 4 बज रहे हैं, हम सुबह से आग ही बुझा रहे थे, अब जाके फाइनली हमारी आग पूरी बुझ गई है। पर मैं आपको भी एरिया दिखाती हूँ कि कितना जला है। तो यहाँ से ऊपर ऊपर तक दिख रहा होगा, ऊपर तक जला है, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये वाली आग जो आधी जली और आधी इधर को नहीं है, ये हमने बुझाई थी, और नीचे तक जहाँ तक दिख रहा है इससे इधर वाली आग हमने बुझाई थी, और इसके नीचे 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 भी वहाँ नीचे मामी का घर, उसके नीचे से आग लगी थी, फिर पार वाली भी पूरी में आग लगी थी, तो इतना ज़्यादा आग लग गई थी आज। और इस आग को बुझाते बुझाते हमें पूरा दिन ही लग गया। तो गांव में ऐसे भी दिन आते हैं कि अपना घास बचाने के लिए, अपने पेड़ बचाने के लिए फिर आना ही पड़ता है, और ऐसे में तो जान जोखिम में भी पड़ जाती है, क्योंकि घास होता है, पेड़ होते हैं, जिनसे हमारी रोजी रोटी चलती है, जान जोखिम में डाल के, ये डायलॉग मुझे प्रीति ने बताया। क्योंकि बीच में एक जगह ऐसा हो गया था कि प्रीति और मैं आग के बीच हम लोग फंस गए थे, और प्रीति को पहली बार एक्सपीरियंस हुआ कि आग कितनी खतरनाक होती है। चल तू इतना ही बता दे, कैसा लगा तुझे आग के बीच में? बहुत ही खतरनाक आग थी। हाँ, और इसमें दूरी रहना चाहिए, लग जाए तो दूर से देखो। हाँ, जहाँ तक हो सके, क्योंकि धुआं इतना तेज था, इसमें सांस रुका था ना। प्रीति को लगा बीच में कि आज तो मैं गई, पर बच गई लड़की अपनी। बीच में ना कई बार आप आग के बीच फंस जाते हो, और दिमाग काम करना बंद कर देता है कि जाऊं कहाँ,
इधर जाऊं उधर जाऊं, ऊपर से आग की लपटें इतनी बड़ी बड़ी। पर चलो फिलहाल के लिए मेरे चारों ओर दिख रहा होगा जला ही है, वहां देखो ऊपर तक जला है और हम ऊपर को ही चल रहे हैं। हमारा गांव ऊपर रहता है और नीचे देखो कहां तक जला है, बहुत ज़्यादा जल गया आज, बहुत ही ज़्यादा। सिर्फ बीच का ये यहाँ पर लोगों के खेत हैं तो ये बचाए हैं हमने सिर्फ, बाकी सारा ही जल गया। थोड़े खेत यहाँ पर थे ये बचाए, थोड़े खेत इधर थे वो बचाए, बाकी चारों तरफ काला ही काला। और ये ना सिर्फ इस बार की बात नहीं है, हर सर्दियों में आग लगती है और पता नहीं क्यों लोग लगाते हैं, या फिर गलती से भी लग जाती होगी। कि ये सारी जितनी भी पहाड़ियाँ दिख रही हैं काली होती ही है, जलती ही है। अब हम लोग चले घर की तरफ, हमने लंच भी नहीं किया है, अब घर जाके ही करेंगे जो भी करेंगे। तो अभी जाके हम घर पहुँचे, अब पहले हम पियेंगे बहुत सारा पानी, बहुत सारी आग बुझाने के बाद बहुत सारा पानी। और आज देखो आसमान में कितने प्यारे बादल हो रखे हैं, पूरे में पतले पतले से बादल आया, डिजाइन सा बना है। तो अभी मैं जा रही थी नहाने, पर मैंने ध्यान से देखा, मैंने बाल भी धोने हैं, तो मेरे ना आगे आगे के यहाँ यहाँ से और यहाँ से भी बाल जले हुए आज आग बुझाते टाइम, बाल आगे से ऐसे खड़े हुए थे। ये तो मैंने अभी कंघी करके थोड़े नीचे सेट कर दिए, अदरवाइज ऐसे दिख रहे हैं ऊपर को जले हुए हैं बाल। मुझे तो लग रहा थोड़े थोड़े आईब्रो भी जले हुए हैं, काफी सेक था वहाँ पर। तो अभी फिलहाल जाती हूँ नहाने, फिर आऊंगी नहाने के बाद। तो अभी मैं नहा के आ गई हूँ और सनसेट भी हो गया है, तो ठंड लग रही थी पहले मैं आग सेकने गई, और अब थोड़ा स्किन केयर करते हैं नहा के आने के बाद। मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा सर्दियों में, मॉइस्चराइजर अ बिग बिग यस। और अगर आपने मेरा शॉर्ट्स चैनल चेक किया होगा तो मैंने लिए थे दो प्रोडक्ट, एक प्लम का टोनर और सेटाफेल का मॉइस्चराइजर। अगर नहीं देखा है तो आप शॉर्ट चैनल पर जाओ, और गर्ल फ्रॉम नॉर्थ शॉर्ट करके चैनल है, तो वहाँ पर मैंने बताया था इन प्रोडक्ट्स के बारे में, और मैंने कहा था कि मैं इसका रिव्यू दूंगी यूज़ करने के बाद। तो सबसे पहला है प्लम का टोनर, मुझे ये अच्छा लगा। जो टोनर है ना काफ़ी रिफ्रेशिंग सा है, मतलब आप एकदम से लगाओगे ना, अगर आप सोए भी हो इसके बाद इसको लगाओगे तो काफ़ी फ्रेश सा फील करते हो। तो सबसे पहले हम लगाएंगे टोनर। और किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि दीदी आपकी पिगमेंटेशन नहीं दिखती है, आपने पिगमेंटेशन के लिए क्या किया। मेरी पिगमेंटेशन अभी भी है पर काफ़ी लाइट हो गई है पहले से, और मैं स्किन केयर ही करती हूँ उसके लिए, अभी कुछ भी नहीं चला है। मैंने 5-6 महीने पहले ट्रीटमेंट किया था डॉक्टर से, तो मैं वही प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ जो डॉक्टर ने मुझे दिए हैं, तो मेरी पिगमेंटेशन काफ़ी कंट्रोल में है। नेक्स्ट चीज़ है मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर भी इसका काफ़ी अच्छा है। अब पता नहीं शुरू में जब मैंने इसको यूज़ किया, अब इसकी वजह से था या कुछ और चीज़ों के साथ रिएक्ट होकर मुझे थोड़ी एलर्जी सी हो गई थी, इधर थोड़े छोटे छोटे पिम्पल हो गए थे, लेकिन कंटिन्यूस यूज़ के बाद वो पिम्पल भी चले गए और मॉइस्चराइजर अच्छा लगा मुझे। अभी जो मैंने मॉइस्चराइजर लिया सेटाफिल का, अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। तो हम यही दो चीज़ें लगाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, बस जब आप मॉइस्चराइज लगाते हो थोड़ा फेस को मसाज दो ऊपर की तरफ, ताकि इससे जो है ना जो स्किन है वो लूज ना हो, ऐसे नीचे को थोड़ी टाइट रहे, और ऊपर की ओर मसाज कर दो थोड़ी। बस यही है मेरा स्किन केयर रूटीन। सुबह सुबह मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, साथ में इन सर्दियों में एक प्रॉब्लम आती है एड़ियाँ फटने की, तो इसके लिए मैंने लिया था बोरोलिन, और वही मैं अभी एड़ियों की केयर कर रही हूँ अपने पाँव की, और साथ में वही बोरोलिन में हाथ में भी अच्छे से लगा रही हूँ। तो इसी के साथ ना हाथ और मुंह के साथ पाँव की केयर करना भी बहुत जरूरी है। वैसे तो मुझे कभी होती नहीं थी क्योंकि मैं घर पर ज्यादा टाइम होती नहीं थी, सर्दियों में शिमला में ही होती थी। शिमला में मैं हमेशा ना सॉक्स पहन के रखती थी, तो उस वजह से ना मुझे कभी भी ये फटी एड़ियाँ होती नहीं थी, लेकिन इस बार नवंबर में ही शुरू हो गई थी, तो मैंने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा, केयर करनी पड़ेगी, नहीं तो ज्यादा दिक्कत होती है, बाद बाद में दर्द होती है, खून निकलने लगता है। तो मैं बोरोलिन लेके आ गई थी, अभी मेरी स्किन केयर और पाँव की केयर हो गई है, अब चलते हैं किचन की ओर। और अभी पता नहीं लाइट क्यों जा रही है, अभी जब मैं नहाने गई थी तब भी बीच में लाइट चली गई थी, और अभी भी लाइट चली गई है। तो ये उसके बाद मैंने डिनर किया, और आज दिन का तो क्या बताऊँ, मैं पूरा दिन आग बुझाने में निकल गया। मैंने उतना व्लॉग नहीं बनाया जितनी ज़्यादा आग थी। सच बताऊँ तो जब ऐसे जगह पर आग लगती है ना, एक तो वहाँ पर सारा घास था वो भी सूखा हुआ, और उसमें आग को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो साथ में हवा भी चलती है पहाड़ियों पे, तो उसमें तो सच में जान का खतरा भी रहता है, क्योंकि लपटें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो बड़ी मुश्किल से सबने मिलके जैसे तैसे पूरा दिन ही लग गया हमें अपनी चीज़ों को कवर करने में, और सबसे अच्छी बात ये हुई कि किसी का भी कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ना किसी का घास जला, ना ही किसी के पेड़ जले, ना ही खेतों में आग लगी। तो काफ़ी
ये है कि पूरे दिन की मेहनत के बाद ये संतुष्टि तो होती है कि कोई नुकसान नहीं हुआ किसी का भी। जो आग लगती है उसके बाद जब वो फैलती जाती है, बढ़ती जाती है, तो खतरा रहता है कि खेतों में आग जाएगी। अभी अभी पेड़ लगाए होते हैं जिसपे हमारे लिए फ्रूट लगते हैं, पूरा दिन हमारा आग बुझाने में ही निकल गया और बहुत बहुत डिफिकल्ट दिन था। हमने लंच तक नहीं किया था, हम सुबह के चले गए थे, मतलब जब मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही बोलूँगी तब के चले गए थे, सबसे आग ही बुझा रहे थे। मैं शाम को 4:15 बजे घर पहुँची थी। मैं फिलहाल को आ रही है नींद, और आज ना इतनी थकान हुई है क्योंकि इतनी भाग दौड़ हुई है ना, जहाँ पे वो आग लगी है वो बिल्कुल पहाड़ी के नीचे जाके है, फिर हमें वापसी के लिए ऊपर काफ़ी चलना पड़ता है, तो काफ़ी थकान भी हुई है और नींद भी आ रही है। तो आज का व्लॉग करती हूँ यहीं, एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर, अन्यांग। और क्वेश्चंस मैं बाद में पढ़ूंगी।